हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली वी आर लाइव नाउ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल अर्थ प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखिए, तभी जाकर ये जो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास है आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहे हैं कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस भी आपके समक्ष हैं, इरेटोस्थनीज, रैटजेल, डार्विन और बकल। तो आप लोग बताइए, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया गया है, मैंने आपको पढ़ाया है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे, रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक यानी कि पिता के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। और इरेटोस्थनीज के बारे में मैंने आपको बताया है कि इन्हें भूगोल के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डार्विन के बारे में भी आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने के लिए मिला था, On the Origin of Species नामक पुस्तक के ये लेखक हैं। तो कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन में आपके दो तीन चार कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाते हैं। और चैनल पे अगर आप नए होंगे और वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखिएगा, हमसे पहले आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, इसी में तो मजा है, जब आप लोग आंसर करते हैं तभी तो अच्छा लगता है। देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है, यह किसने कहा है। ये जो कथन है, ये जो मानव भूगोल का डिफिनेशन है, चैप्टर फर्स्ट में आपको मानव भूगोल का डिफिनेशन पढ़ने के लिए मिला है। तो जो ये प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातलों के बीच का संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, तो ये किसने कहा है। ऑप्शन देखिए, रीटर, रैटजेल, सैंपल और टेलर। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने भी लगाया, ऑप्शन बी। तो ये रैटजेल का ही कहना है कि मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल के बीच, धरातल मतलब पृथ्वी, मानव समाज में हम लोग आ गए, तो एक धरातल के बीच में कह सकते हैं ना कि फिजिकल और जो ये ह्यूमन हो गया, ह्यूमन और फिजिकल में दोनों का क्या है, तो एक रिलेशन है, संबंध है, इसका एक हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, तो मानव भूगोल के अंतर्गत। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये रैटजेल द्वारा कहा गया। और हाँ, याद रखिएगा, आपके जो ये जो एनसीईआरटी बुक है इसमें मानव भूगोल का दो तीन डिफिनेशन मैंने आपको, एक रैटजेल के द्वारा, पॉल डी लाब्लास के द्वारा और एलएनसी सैंपल के द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया उसको मैंने आपको बताया भी था और बोला भी था कि आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि बताइए रैटजेल के द्वारा मानव भूगोल को किस तरह से परिभाषित किया गया है, किस वर्ड पे जोर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे संश्लेषण शब्द पे जोर दिया गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका सही जवाब रैटजेल हो जाएगा। जिन स्टूडेंट ने रैटजेल लगाया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर देखिए प्रश्न करता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है, बताइएगा। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न आए, जैसे ही आप लोग कमेंट में आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। प्रश्न है आपका कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है, रैटजेल, सैंपल, ब्लास और डार्विन। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन है रैटजेल। देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है वो रैटजेल द्वारा ही लिखा गया है, और इसको और भी एक आध नाम बतलाया गया है। रैटजेल को देखिए, रैटजेल आधुनिक मानव भूगोल के पिता के नाम से जाने जाते हैं। रैटजेल ने मानव भूगोल को अपने तरीके से परिभाषित भी किया है। रैटजेल का एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसी पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल को एक अपने तरीके से परिभाषित किया कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या है, एक संश्लेषित अध्ययन है, सिंथेसिस क्या है, तो स्टडी है। याद रखिएगा कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए रैटजेल। जिन जिन स्टूडेंट ने रैटजेल लगाया बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत फाइन। अगला प्रश्न देखिएगा फोर नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। देखिए मानव भूगोल से निम्नलिखित ऑप्शंस में से किसका संबंध नहीं है, क्वेश्चन लाजवाब है भाई, तो आंसर इसका करना होगा, आप लोग आंसर करेंगे इसका फटाफट से। देखिए ऑप्शंस हैं क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन और अन्वेषण एवं वर्णन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब भाई, क्या हो जाएगा बतलाइएगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल फोर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। ये मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटिव जो रिवोल्यूशन हुआ था ये आपके मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को।
अगर आपने चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ लिया है ना, तभी जाकर ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने वाले, अन्यथा कैसे समझिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, या आप जाइएगा ना प्लेलिस्ट में भी देखिएगा तो आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगे। और हाँ, एक मैं बता दूँ, आप प्ले स्टोर से हमारा सॉफ्ट स्टडी जो एप्लीकेशन है इसे जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है, प्लस में क्यूजेज वगैरह जो भी है वो सारे चीज़ आपको अपडेट, हमारे क्लास से जुड़ी हुई अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और वहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट डायरेक्टली कर भी सकते हैं। तो जरूर से जरूर सॉफ्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और अभी एक कोर्स भी चल रहा है ज्योग्राफी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरा डिस्कस ज्योग्राफी अच्छे से बाई माई मेरे फेस के द्वारा जिस तरह से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसमें फुल्ली मात्र 199 रुपये में पूरा ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, मात्र 199 रुपये में पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो जाइए, जाकर देख सकते हैं आप। 5 नंबर देखिएगा, नॉन निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, नियो डेटर्निज्म। तो नॉन निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैंने किसके बारे में पढ़ाया था, आपको मैंने संभववाद के बारे में पढ़ाया, निश्चयवाद के अंतर्गत क्या होता है, संभववाद के अंतर्गत क्या होता है, और इन दोनों के बीच एक मार्ग प्रशस्त किया गया था, उसी के अंतर्गत आया था आपका नौ निश्चयवाद। तो नौ निश्चयवाद के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि किस तरह से निश्चयवाद अवधारणा को और संभववाद अवधारणा को एक दूसरे से रिलेट कर दिया गया नौ निश्चयवाद में। तो नौ निश्चयवाद आखिरकार देने वाले कौन थे, इस संकल्पना की प्रस्तुति किसने किया था, तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक आपके कौन है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर। जो स्टूडेंट ग्रिफिथ टेलर लगा रहे हैं वो बहुत अच्छे, आपकी मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं कंसेप्ट आपका सही है, और जिनको ना याद हो याद करने का प्रयास कीजिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए 6 नंबर, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी, देखिए उसी को नौ निश्चयवाद अवधारणा को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है, तो रुको और जाओ अवधारणा, याद रखिएगा क्या नाम है, रुको और जाओ अवधारणा के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसके भी वही नौ निश्चयवाद का ही है, रुको और जाओ निश्चयवाद का ही है, जिसमें तीन मैंने ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल लेकर आपको समझाया था, लाल का मतलब करो प्रतीक्षा, पीली कहती हो तैयार, हरे रंग की बत्ती हो, जो भी आपने बचपन से पढ़ा है ना उसको याद रखिए। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, तो ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर आपके सही जवाब हो जाएंगे, क्लियर। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 देखिए, भूगोल का जनक माना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अब ऐसा नहीं कि भूगोल का जनक, मैंने भूगोल का पिता आपको इरेटोस्थनीज का नाम बतलाया है तो आप उस उन्हीं को के लगाइएगा, हाँ ऑप्शंस को देखिए, यूनान को, तो यूनान आपका सही जवाब हो जाएगा, और बहुत अच्छे आपने जवाब भी यूनान लगाया है, और ये वीडियो ऐप पे चल रही है, इसे मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, शायद आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 8 नंबर देखिए, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, देखिएगा ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, ऑप्शन से है रैजल टेलर, वारेनियस या चार्ल्स डार्विन। तो ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक बिल्कुल ऑप्शन सी वारेनियस इज द राइट आंसर, याद रखिएगा ये पुस्तक है, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट एक पुस्तक है, इसके लेखक आपके कौन है, तो इसके लेखक आपके हैं वारेनियस साहब, क्लियर। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 9 है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, बताइएगा मानव भूगोल से संबंधित इसमें से कौन से विद्वान आपके भाई जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन ए है सैंपल, रैजल, रसेल या हटिंगटन। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रसेल, क्योंकि देखिए सैंपल का नाम, एलन सी सैंपल का नाम आपने मानव भूगोल में सुना है, आपने रैजल का भी नाम सुना है, हटिंगटन का भी नाम, हटिंगटन के द्वारा, हटिंगटन ने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया भैया, सैंपल ने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया आपने देखा होगा, और ये हटिंगटन द्वारा, रैजल के द्वारा, तो आपको डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। तो रसेल जो है, रसेल मानव भूगोल से इनका संबंध नहीं है, जनरली आपने को मैच में भी देखा होगा क्रिकेट में, तो याद रखिएगा कौन कौन क्रिकेट खेलता है जरा कमेंट में जरूर बतलाइए। 10 नंबर है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, देखिए मानव प्रकृति का दास है यानी कि मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण में मैंने आपको समझाया था कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है, मानव का प्रकृतिकरण यानी कि वो प्रकृति की बातों को क्या करता है, मानता है, प्रकृति को भगवान की तरह पूजता है। पुराने जमाने की अगर बात करें, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, तो लोग क्या थे, पूरी तरह वातावरण पे निर्भर थे, पूरी तरह नेचर पे क्या थे, लोग डिपेंड थे। जैसे अगर वर्षा होगी तभी किसान खेती करेंगे, और अगर बारिश हो गई तो जंगल में रहना भी उनके लिए दिक्कतें आ जाती थी, हाँ जंगल के फलों फल खाकर वो जीवित रहते थे, तो दीज आर द वहाँ के कंडीशन थे। तो किसने कहा कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है, तो ये आपके एलन सैंपल द्वारा कहा गया था कि मानव जो है वो प्रकृति
प्रकृति का दास है। क्लियर याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 11 नंबर, मानव जो है प्रकृति का दास है, किसमें आया? पर्यावरणीय निश्चयवाद। देखिए मानव प्रकृति का दास है, प्रकृति क्या पर्यावरण से संबंध है, पर्यावरण से संबंध है यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद में एलएनसी सैंपल का नाम तो आएगा ही आएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, कहता क्या है कि मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, तो एक अध्ययन है, स्टडी है, तो ये मानव भूगोल की परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो ये मानव भूगोल की जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, वो किसके द्वारा दी गई है? तो ये डिफिनीशन जो दी गई है दोस्तों, ऑप्शन सी सैंपल के द्वारा ही दिया गया है। तो एलएनसी सैंपल ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। इनके अकॉर्डिंग मानव भूगोल का डिफिनीशन होता है कि मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो मानव के क्रियाशील और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए यहां पर परिवर्तनशील शब्द पे क्या किया गया है, जोर दिया गया है, एनसीईआरटी में आपको अच्छे से इसको समझाया गया, मैंने इसको पढ़ाया भी है यार, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए अभी जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध, देखिए भूगोलवेत्ता एक साथ भी लिख सकते हैं, का संबंध संभववाद से है? संभववाद आ गया ना, संभववाद। अभी मैंने पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या होता है, मानव जो है वो प्रकृति का दास है, लेकिन संभववाद में क्या होता है, मानव संभावनाओं को उत्पन्न करता है, मानव संभावनाओं को उत्पन्न कर करके क्या करता है, ये जो होता है ये प्रकृति का स्वामी बन जाता है। जैसे आज के लिए, आज के दौर में हम लोग बताएं, बारिश आने से पहले ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ इस क्षेत्र में बारिश होने वाली है। ऐसे पहले जमाने में क्या था, आज आप देख रहे हो गंगा नदी पे भी, मतलब नदियों पे भी आप देख रहे हैं कि पुल बना दिए जा रहे हैं। पहले के जमाने में था कि लोग नाव पे डिपेंडेंट थे, वर्षा का पानी जब सूखता था तभी लोग जा पाते थे। तो ये हुआ ना, नाव भी तो मानव द्वारा ही बनाया गया, उससे पहले जब नाव नहीं बना था उससे पहले भी क्या था, तो लोग डिपेंड रहते थे नेचर पे, जब पानी सूखेगी तब हम लोग पार करेंगे, तो ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे कंडीशंस क्या हुआ, चेंज हुआ, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, समझिएगा। तो निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? तो ऑप्शन भी आपके विडाल डी लाब्लास, देखिए विडाल डी लाब्लास में संभववाद का इनका संबंध है, विडाल डी लाब्लास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? डार्विन, मैंने बताया था आपको शुरू में ही, देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल द्वारा, जियोग्राफिया जनरली सभी मैंने आपको बताया, फिर यहाँ पे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये डार्विन, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ। 14 नंबर है 1990 के का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो 1990 का जो दशक है वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है मित्र? तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आधुनिकतावाद, आधुनिकीकरण अभी ना हो रहा है तो आधुनिकतावाद आपके इसके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। 1990 का जो दशक है वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकतावाद इज द राइट आंसर। क्लियर। फिर अगला उत्तर आधुनिकतावाद होगा जी, उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन सी नो, आधुनिकतावाद तो फिर बाद में हुआ ना, अभी आधुनिकीकरण हो रही है ना। 15 नंबर देखिए, मानव प्रकृति का दास है, यह विचारधारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? देखिए प्रकृति का दास है यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, निश्चयवाद के अंतर्गत आएगा, ट्रिक यही है, प्रकृति का दास है ना, तो प्रकृति का दास है यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप पढ़िएगा तभी सारे प्रश्न याद होंगे, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। जब आप इसको समय दीजिएगा ना, किसी भी चीज को जब आप अपना समय देते हैं तभी जाकर वो अपना होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आप हो, आपका किसी के साथ रिलेशन हो, पढ़ाई हो, तो आपको समय देना होगा, आप जितना समय देंगे वो उतना आपका करीब आएगा, वो उतना आपका होगा। तो समय देना सीखिए, पढ़ाई पे भी आप समय जो है वो खर्च कीजिए, तभी जाकर ये सारे प्रश्न जो भी कंसेप्ट है ये सब आपका हो जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं आपको पढ़ा दे रहा हूं, इसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तैयारियां करनी पड़ी थी, धीरे धीरे मैंने नोट्स बनाए थे, बहुत सारे नोट्स बने, तब पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक्सपीरियंस हुआ और तब जाकर मैं ये सारी चीजों को आपके सामने परोसता हूं। तो ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि फ्री में कुछ भी हो गया, तो आपको इसके लिए समय देना होगा, धीरे धीरे समझना होगा, समझिएगा तब जाकर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो मानव प्रकृति का दास से यह विचारधारा किसके अंतर्गत आती है? तो निश्चयवाद के अंतर्गत आती है, सिंपल सा प्रश्न है भैया। संभववाद के अंतर्गत क्या आता है? मानव प्रकृति का स्वामी है, क्योंकि मानव ने संभावनाओं को उत्पन्न कर दिया बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ प्रौद्योगिकी। क्लियर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो क्या है? तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के कारण ही तो भैया इतनी ज़्यादा क्रांति आई है, आज मुझे आप सुन पा रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स को देख पा रहा हूँ, तो दीज आर द मेजर चेंजेस बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आपको इन सभी टर्म्स को ध्यान में रखना होगा,
टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा अपना भूगोल में भी योगदान दिया, लोगों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया का एक ये महत्वपूर्ण कारक बना। क्लियर, अच्छा लगा होगा आपको सुनकर। 17 नंबर है, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ ये बतलाइएगा। तो मानव भूगोल का जो विभाजन हुआ था, ऑप्शन भी आपके 1930 के दशक आपके सही जवाब हो जाएंगे। आप लोग लगा भी रहे हैं, हमसे पहले आंसर दे भी रहे होंगे, आई नो। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह है क्या है जी। सॉरी ऊपर चला गया, देखिए प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह है जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, जलवायु भूगोल या नगरीय भूगोल, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका जलवायु विज्ञान आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जलवायु विज्ञान जो होती है वो मानव भूगोल के अंग नहीं है। क्लियर, हम लोग जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, कृषि भूगोल के बारे में पढ़ते हैं और नगरीय भूगोल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखिए जितना ज्यादा आप इसको फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा, और चैप्टर फर्स्ट से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आना निश्चित है, और चैप्टर फर्स्ट आपका आसान सा चैप्टर है, तो आप इस पर अपना कमांड करके भी प्रश्न है आप उन सभी प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। बस बशर्ते कि मैं सारी चीजों को पढ़ा रहा हूं, फ्री में भी आपको दे रहा हूं, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस में चला रहा हूं, तो आप एप्लीकेशन पे भी जुड़िए, फ्री में भी पढ़िए, जो भी आपको जहां से आपको बेनिफिट मिले पढ़ते रहिए और अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे बच्चे का मार्क्स भी आता भी है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा सॉफ्ट स्टडी एप्लीकेशन को, डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्ट स्टडी एप्लीकेशन, डाउनलोड करने पर आपको सारी चीजों का इंफॉर्मेशन वहां पे मिलते रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट 18 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराया, और इससे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं नहीं, तो सो नो टेंशन, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त होकर पढ़िए, जो भी प्रश्न होंगे मैं पढ़ाते जाऊंगा। और हां, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, तभी जाकर मैं आपकी बातों को समझ पाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वर्क करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।